नमस्कार, मी भीमराव लोणारे आयबीएम टीव्ही 9 मध्ये स्वागत करीत आहे। बातम्यांचा शोध घेणाऱ्या आयबीएम टीव्ही 9 मध्ये आज बघूया एक विशेष बातमी। पोलीस निरीक्षक पराग पोटे सीताबर्डी परिमंडळ वाहतूक परिमंडळ नागपूर शहर। नागपूर शहर वाहतूक विभागातर्फे मनोरंजन आपल्या दारी पण आपण आपल्याच घरी अशा प्रकारचा मेसेज घेऊन आमची ही मनोरंजनाची जत्रा निघालेली आहे। लॉकडाऊन मध्ये सगळे लोक बऱ्याच दिवसापासून घरात आपल्या आतमध्ये बंद आहेत, त्यांना कोणतेही मनोरंजन नाही आणि यामुळे मानसिकता थोडीशी बदलून जाते, बाहेर निघावं सगळ्यांना वाटते। याच गोष्टीचा आम्ही विचार करून थोडं बहुत अर्धा एक तास तरी त्यांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळून मनोरंजन देता आलं तर बरं होईल आणि मानसिकता थोडीशी बदल होईल। घरातील जे भांडणं वगैरे चालतात ते सुद्धा कमी होण्याची संभावना याच्यामुळे आहे। थोडंसं मन डायव्हर्ट करण्यासाठी आम्हाला उपक्रम सुरू केला आहे नागपूर शहर पोलिसांनी। या उपक्रमादरम्यान विदर्भ कलाकार संघटना, स्वयं फाउंडेशन, जिंजर मॉल यांचं सहकार्य घेऊन ही योजना राबवलेली आहे। आम्ही प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये जाऊन हा संदेश देतो की आपल्याला कोरोनाशी युद्ध करायचं आहे, आपण घरातच राहावे। लॉकडाऊनची अवस्था जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत आपण घरातच राहावे, सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावे। आम्ही सुद्धा कार्यक्रमादरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करण्याचं आवाहन करतो आणि आम्ही सुद्धा पालन करतो। मी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अजय कुमार मालवीय, सध्या इंदोरा विभाग वाहतूक शाखा इथे नेमणुकीस आहे। आमच्या विभागातर्फे एक नवीन पायंडा पाडलेला आहे। लॉकडाऊन सुरू होऊन बरेच दिवस झालेले आहेत आणि लोक आपापल्या घरामध्ये आहेत। जसं शासनाचे आदेश आहेत की घरामध्ये राहा, सुरक्षित राहा, तर लोकांना मनोरंजनासाठी विशेष सोय केली आहे डिपार्टमेंटने की लोकांना बाहेर पडता येत नाही, त्याच्यामुळे शासन आपल्या दारी किंवा मनोरंजन आपल्या द्वारी हा एक नवीन कार्यक्रम सुरू केलेला आहे। लोकांना हे सांगणं आहे की जी सध्याचं जे प्रादुर्भाव आहे कोरोनाचा, त्याच्यावर जो उपाय आहे, घरी राहा, सुरक्षित राहा आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळा। तर त्या निमित्तानं लोकांना एक आव्हान आहे आणि त्यांना त्याद्वारे एक म्हणजे समुपदेशन सुद्धा आहे की घरात राहा तुम्ही, मनोरंजन शासन जे काही शक्य होईल त्याच्यासाठी त्यांना घरपोच द्यायला तयार आहे, फक्त सुरक्षित राहा आणि देशाला सुरक्षित करा। मैं सुनील चौबे फाउंडेशन से, हम लोग नागपुर वाहतूक पुलिस और विदर्भ कलाकार एसोसिएशन के साथ में आदरणीय माननीय सीपी साहब भूषण उपाध्याय जी इनकी प्रेरणा से और माननीय विक्रम साड़ी साहब इनकी प्रेरणा से पराग पोटे साहब की संकल्पना से इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं ताकि जो लोग घर में अपने बैठे हुए हैं, एक डेढ़ महीने से लॉकडाउन है तो घर में कुछ लोगों को उदासी आ जाती है, कुछ लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, तो लोगों का उत्साह बढ़ाने का और जनता को अपने घर में रहकर कोरोना से मुकाबला करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि मनोरंजन आपने दारी, इसकी वजह से लोगों को घर में रहकर मनोरंजन भी मिलेगा। और हमारी सभी लोगों से यही विनती है कि जब तक सरकार के अगले आदेश नहीं आते तब तक वो लोग अपने घर में ही रहे और सुरक्षित रहे। मैं राजेश बुरबुरे, आप सबको नमस्कार और सभी से गुजारिश है कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे। सबसे महत्व का पार्ट वो है, हम लोगों का उपक्रम ये है विदर्भ कलाकार संघटना के तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से कि लोगों को घर तक उनके इंटरटेनमेंट मिले। काफ़ी दिनों से लोग घर पे ही है, कहीं बाहर नहीं होते, सिर्फ टीवी यही उनका इंटरटेनमेंट का साधन है और मोबाइल। तो हमने और पुलिस लोगों ने मिलकर सोचे हैं कि लोगों के घर तक ये मनोरंजन दुमचादारी, ये टाइटल इस प्रोग्राम का, और इसको बड़ा खूबसूरत सा यानी रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी हमने शोज किए मज़ा आ रहा है लोगों को, हमको सभी को। और बस लोगों से सभी से गुजारिश है हम कलाकारों की तरफ से, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। मेरा नाम ललित तालवानी, ग्रामीण सिटी फेज वन में रहता हूँ। हमारे लॉकडाउन के प्रति घर में बैठे बैठे जो एक बोर फील करते हैं उसमें लॉकडाउन में ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे यहाँ लॉकडाउन के प्रति जो कार्यक्रम रखा है मनोरंजन का, वो हमारे लिए बहुत बुश करने वाला है और बहुत अच्छा लगा है। इस प्रति हमें बहुत खुशी हुई है कि नागपुर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारे लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम इसमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं और करेंगे बिल्कुल। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है ये और हमें बहुत खुशी है इस चीज़ में। मैं राम गंगवानी, ग्रामीण सिटी फेज वन का रहवासी जरीबट्टा,
ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारे पुलिस के तरफ से, ये हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है पुलिस के तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जो कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए किया गया है, ताकि हम लोग जो लॉकडाउन के तहत हम लोग जो बोर हो रहे हैं घर पे बैठे बैठे, उन सबका एक मनोरंजन होगा। और हम इस विषय पे पुलिस मुख्यालय का पूरा सभी का हम लोग इनका आभार करना चाहते हैं। तर प्रेक्षकांनो, ही होती आजची बातमी। पुन्हा भेटूया एका विशेष बातमी सोबत। तर आयबीएम टीव्ही 9 ला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, हां बेल दाबण्यास विसरू नका। विविध बातम्या बघण्यासाठी www.ibmtv9 या वेबसाइटला भेट द्या। धन्यवाद।